एक्सेल के अंदर में किसी भी तरह की एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे जरूरत चीज होती है सिलेक्शन। जब तक हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट नीड ए सिलेक्शन। तो आज की हमारी वीवीए प्रोग्रामिंग क्लासेस में हम इसी सिलेक्शन मेथड को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको अगर आगे कुछ भी करना है, पिवट लगाना है, कॉपी करना है, पेस्ट स्पेशल करना है, फिल्टर लगाना है, नीड टू सिलेक्शन। जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहां हमने मॉड्यूल्स इंसर्ट किए और यहां पे सिलेक्शन करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत कीजिए। ओके अब जैसे मुझे यहां ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मैं एफ तक ही लेता हूं। अब देख रहे हैं कि मुझे इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, तो क्या है, A1 से हमारा F16 तक है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो कॉलिंग मेथड होती है जैसे कि रेंज A1 B1 C1 जो भी देते हैं आपको डॉट सेलेक्ट, पहला ये होता है। फिर दूसरा होता है, यहाँ पे हमने बताया था सेल्स, सेल्स जो कि नंबर के अकॉर्डिंग चलता है, R1 C1 मेथड पे चलता है, पहला कॉलम पहला रो डॉट सेलेक्ट। और एक होता है आपका एक्टिव सेल जहां पे कर्सर है हमारा, जैसे यहाँ F16 इज द एक्टिव सेल। और एक होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन एक एक जा, जैसे मान लीजिए मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, दैट इज द सिलेक्शन A1 से लेके F5 तक। एक्टिव सेल हो गया, क्या हो गया, A1, बट सिलेक्शन क्या हो गया, A1 से B5। तो ये चार एनुमरेशन होता है। अब बात होती है कि डेटा सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन कब यूज करेंगे, जब मैनुअली आप सिलेक्ट कर लिए हो, मैं इस बार सिलेक्ट कर लिया, अब इसको कॉपी करके C2 पे ले जाना है। तो यहां पे आपका कोड जो होगा वो होगा कि सिलेक्शन डॉट कॉपी, फिर C2 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, फिर रेंज A1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। एक्टिवेट एक ही सेल के लिए होता है, सिलेक्ट एक से ज्यादा सेल के लिए होता है। और फिर हम यहां कर सकते हैं एक्टिव सीट डॉट पेस्ट। तो ये क्या करेगा कि जो एरिया आप सिलेक्ट करोगे उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। यहां ध्यान से देख सकते हैं, रन करते हैं इसको, आप देख सकते हैं C1 से कॉपी करके C2 पे जाके पेस्ट कर। लेकिन इसके लिए क्या हुआ कि हमने सिलेक्शन किया ना, क्या सर, अगर मान लीजिए मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर मैं इसको रन करके पेस्ट करूं तो आप देखेंगे कि इतना एरिया सिलेक्ट होके पेस्ट हुआ है। तो सिलेक्शन का यूज कब होता है कि जो आप छोड़ देते यूजर के ऊपर कि भाई जितना एरिया सिलेक्ट करोगे, इसे पिवट लगाना है, फिल्टर लगाना है, ये चीजें अगर आप चाहते कि नहीं पूरे डेटा पे ना लगे, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगे जो कि सिलेक्ट बाय यूजर व्हेन यू रन द माइक्रो, उस केस में हम सिलेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन एक फिक्स एरिया को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे आप, तो ये इस तरह से होता है कि रेंज A1 से लेके F16, A1 = F16 डॉट, अब यहां एक्टिवेट नहीं होगा, यहां सिलेक्ट होगा। अब ये एक्सेल मेथड हुआ क्योंकि जैसे एक्सेल में कोई फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं तो जो रेंज सेलेक्ट करते हैं तो इसी मोड में रेंज सेलेक्ट होता है ना, तो इस मेथड को डाल सकते हो। इसका एक और वीवीए मेथड होता है कि रेंज A1 इज द स्टार्टिंग पार्ट और F16 इज द एंडिंग पार्ट, दोनों को अलग अलग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इसको वीवीए मेथड कहा जाता है। ये क्या करेगा, पहले सेल पे कर्सर रखेगा, शिफ्ट को प्रेस करेगा और F16 पे कर्सर रखेगा, डेटा को सिलेक्ट कर रहेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर मुझे अगर पूरा रेंज लेना है, कंट्रोल ए करना है, तो आपको A1 डॉट करेंट रीजन
डॉट सेलेक्ट, बोलोगे सर तो कंट्रोल ए करते थे, करेंट रीजन क्या आ गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप जाते हैं फाइनल इसमें, गो टू स्पेशल में, जो आप कंट्रोल ए करते हैं वो करेंट रीजन को ही ट्रिगर करता है। तो अभी अभी बात हो रही थी हमारी सुधाकर जी से कि कैसे याद रखेंगे डॉट के बाद। तो जो डॉट के बाद जो चीज़ें 90% से ऊपर चीज़ें जो एक्सेल की फीचर्स है ना वही, तो आपको डॉट लगाना है वो आ जाएगा। 10% चीज़ें हैं जो याद से करेंट रीजन, अब जनरली हम लोग कंट्रोल ए करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, बट यहाँ पे होता है करेंट रीजन। अब इसमें एक चीज़ और भी आती है कि मुझे पूरा सीट सेलेक्ट करना है, जो यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं उससे। तो इसके लिए आपको करना है सेल्स डॉट सेलेक्ट, ये पूरा का पूरा सीट को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब कंट्रोल ए जब करते हैं तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए मुझे सीट टू का कंट्रोल डेटा सेलेक्ट करना है, तो पहले आपको सीट टू पे जाना होगा कि सेल्स, अब डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं बट सेलेक्ट नहीं कर सकते। डॉट सेलेक्ट, देन आप लिखेंगे रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन, अब डॉट कॉपी कीजिए, डॉट सेलेक्ट कीजिए, जो करना है कर सकते हैं। तो हमें सी टू पे जाना, ऐसे कोई पर्टिकुलर फाइल है तो यहां पे वो फाइल का नाम देना होगा कि वर्क बुक्स, और इसके अंदर हमने बुक वन टू जो भी हमने यहां पे डाला हुआ है वो यहां पे आप डाल दीजिए। डॉट एक्टिवेट, बट वो फाइल ओपन होनी चाहिए, नहीं तो फिर ओपन का कोड डालना होगा। अब एक प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जैसे मैंने बताया था कर्सर मूव करने के लिए, तो हम यहां पे देते हैं रेंज ए वन डॉट एंड, ये हमने कल बताया था। अब मैंने मान लीजिए एक्सेल टू राइट कर दिया, लेफ्ट कर दिया सॉरी, डॉट सेलेक्ट, तो क्या हुआ कि यहां से कर्सर डायरेक्ट यहां पे मूव हो जाएगा। तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि एक और रेंज लगा दीजिए और यहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग दे दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, यहां से कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो का यूज करेगा, दिख रहा है सर। तो इसमें क्या हुआ, हमने इस मेथड को यूज किया और इसमें दो कोड ऐड कर दिया, A1 तो फिक्स था और एंडिंग पोजीशन मुझे पता नहीं थी, मैं चाहता था कि सबसे लास्ट में चला जाए, तो एंड में जाने का जो कोड था उस कोड को मैंने इसके एंडिंग पोजीशन पे डाल दिया। तो रेंज A1.end क्या करेगा, ये F1 का रेंज इस रेंज को दे देगा। समझे सर सुधाकर जी कि नहीं? सर समझ। अब मान लीजिए कि एक लाइन हमने ऊपर तक सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे नीचे लेके आना है पूरा, तो यहां पे हम लिखेंगे रेंज सिलेक्शन, कि जो सिलेक्टेड एरिया है उसको, वो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, और सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ ला देगा। यही चीज हम लोग रिकॉर्डिंग में भी करते हैं, रिकॉर्ड में जब करेंगे ना, जैसे मैंने या कर्सर रखा कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, तो ए देखिए यहां पे ये चीज हो गया ना, ठीक है। अच्छा हमने गलती कर दी है, एक्सेल टू लेफ्ट नहीं होगा, ए टू राइट होगा, लेफ्ट यहां से इधर आने का होगा, यहां से इधर आने का होगा, छोटी सी गलती होगी मेरी, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज रहता हूँ सर, ठीक है। तो इसने कोड क्या किया, इसने बोला सिलेक्शन, अब सिलेक्शन के जगह पे आप A1 भी कर सकते हैं, A1 डॉट, और यहां पे भी आप दे सकते हैं कि रेंज A1,
तो यहां देखिए कि A1 से राइट की तरफ गया, मतलब कि ये एक कोड क्या किया इसने, यहां सेलेक्ट कर लिया और फिर सिलेक्शन को इसने डाउन में इस तरह से प्रेस कर दिया तो मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। लेकिन ये कब यूज होगा, जब आपका आपके अंदर आपके डेटा में कोई फालतू डेटा होगा लेकिन आप चाहते हैं पूरा हेडिंग के अकॉर्डिंग लेना तो यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब ब्लैंक्स होते हैं, ब्लैंक्स होने पर इसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उसके लिए हम एक अच्छा सा मेथड अपनाते हैं, उसको देखिएगा। हम लेते हैं आर इक्वल टू, हम बोलते हैं यहाँ पे कि रेंज A65000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो। ये क्या करेगा कि यहाँ A65000 सेल्स पे जाएगा। सर ये अपने रो क्यों लगाया इसमें, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो सी में, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और जो 16 नंबर रो नंबर जो ना 16 नंबर रो, इस रो को इसने आर पे स्टोर कर देगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, मेरी आवाज आ रही क्या आपको? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हेलो सुधाकर जी, सुन पा रहे मुझे आप? हाँ जी क्लियर है, क्लियर। गोपाल जी आपके एंड से प्रॉब्लम है? फिर मैं यहाँ पे सी इक्वल टू रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एन एक्स यहाँ पे एक्सल टू राइट डॉट कॉल। तो क्या हुआ कि यहां से ये दिखा ना X1 से एक कॉमा के साथ सबसे लास्ट वाले कॉलम पे गया और यहां से कंट्रोल के साथ वो लेफ्ट एरो को प्रेस किया और कर्सर आपके सामने आ गया एफ कॉलम पे। एफ कॉलम का जो काउंट है ना, काउंट क्या है, 6 है, 6 दे दिया। अब मेरे पास क्या है कि R मतलब कि 16, 6 कॉलम। तो अगर मैं सेल्स के अंदर में डालता हूँ R कॉमा C डॉट सेलेक्ट, तो कर्सर कहाँ जाएगा सर? तो 16 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम यहाँ पहुँचेगा ना, क्या बोल रहे हैं सर? यस सर। अब बीच में कितना भी ब्लैंक हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिलेक्शन बनानी हो तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेंज स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि A1 है और एंडिंग पॉइंट में हम लिखेंगे सेल्स R,C डॉट सेलेक्ट। R,C क्या है? R क्या है? R रो हो गया, C कॉलम है, वेरिएबल्स है, टेंपरेरी सेविंग लोकेशन। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग लेते हैं XYZ, आप करते हैं कि XY=5। अब मान लीजिए कि मुझे अगर यहाँ पे X+10 करना है तो रिजल्ट क्या होगा एक्स का? 15 होगा ना सर? तो ये जो R हो गया या C हो गया, इसमें कुछ भी ले सकते हैं आप, अपना नाम, अपने गर्लफ्रेंड का नाम, कुछ भी ले सकते हैं आप। शादी शुदा है तो मत लीजिए, गर्लफ्रेंड का नाम बना पिटाई लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ भी ले सकते हैं, एक टेम्परेरी लोकेशन हो गया कि यहाँ पे वैल्यू होल रहेगा रो की वैल्यू, क्योंकि ऐसा अब इसको डायरेक्ट यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आर के जगह पे इसको दे देंगे तो कोड काफी लंबा हो जाता है, देख रहे हैं ना सर? डायरेक्ट यहाँ भी ऐसे भी दे सकते हैं तो काफी लंबा हो गया ना कोड, ये बेटर है। यस यस। और कई जगहों पर यूज हो जाएगा, मैंने यहाँ भी यूज कर लिया, यहाँ भी यूज कर लिया, समझे? तो ये थी हमारी सिलेक्शन मेथड कि हमने डेटा को कैसे सिलेक्ट किया हुआ, राइट? इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कल जो है हम बात करेंगे आपके साथ फॉर्मेटिंग पे कि हम फॉर्मेटिंग कैसे बनाएं और फिर एक प्रोजेक्ट करेंगे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। ठीक है गोपाल जी? यस सर, यस सर, ये 96 वाला ही नंबर है सर ये। हाँ 96444, हाँ यही है। ठीक है,